हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। एज यू ऑल नो दैट कि आरआरबी के वैकेंसीज आ गई हैं, आरआरबी जेई की वैकेंसीज आ क्या गई हैं। एक्चुअली उसका लास्ट डे है 31 जनवरी। सो आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही दिया होगा और अब हमें स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। देन एक हम शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं कि आरआरबी जेई के लास्ट डेट क्या है, 31 जन। देन अप्रैल और मई जो है ऑफ 2019, इसमें टेंटेटिव डेट है हमारी एग्जामिनेशन की और फर्स्ट स्टेज। और फर्स्ट स्टेज होगा क्या, सीबीटी। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। और हमारे पास वैकेंसीज कितनी है, 13,487। और ये काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है जिसमें आप लोगों के पास में बहुत सारे चांसेस हैं जॉब के लिए। और मतलब इसका जो जितना भी आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में मैक्सिमम जो पार्ट है जो सीबीटी फर्स्ट स्टेज के लिए है वो एसएससी से मिलता जुलता है। तो हम अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मतलब एक ही सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के पार्ट से, उसके बाद हम हमारे पास जितना भी समय होगा उस हिसाब से हम जनरल साइंस में फिजिक्स का पार्ट देन मैथ्स का पार्ट भी कवर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में से मैक्सिमम 1 to 2 marks का जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, एसएससी हो या एसएससी बेस्ड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप एसएससी जेई देख लीजिए, एसएससी जीडी देख लीजिए, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कैलेंडर से हमारे पास में सिर्फ 1 to 2 marks ऑफ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा रीजनिंग के पार्ट में। या फिर मेनली ये जो पार्ट है कैलेंडर और क्लॉक का, वो रीजनिंग में नहीं रखा गया है, इसे कहाँ रखा गया, मैथ्स के मतलब क्वांट के पार्ट में। और थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को समझने में टफ पड़ता है ये टॉपिक, बट है बहुत इजी। तो हम इसके पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अगर आज इस वीडियो में इतना कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक और वीडियो सेकंड पार्ट इसका ज़रूर अपलोड करेंगे। और एज वी नो कि अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं अपना वर्क और अच्छा कर पाऊँगी। और जो भी आपको इश्यूज हैं इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगी और उस चीज़ को और अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको चाहिए कि और प्रैक्टिस करना है आपको तो हम उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ द कैलेंडर। तो एज वी नो वी हैव 2 types ऑफ ईयर इन आवर कैलेंडर, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे। बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर मींस जो हम लोग हर साल एक नया कैलेंडर ले आते हैं, हर साल की शुरुआत हमारी कैसे होती है, न्यू ईयर की शुरुआत हमारी कैलेंडर से होती है। सबके घरों में कैलेंडर आता है, ठीक है, नया कैलेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 type के ईयर्स होते हैं, और 2 type के ईयर्स मींस जनरल ईयर एंड लीप ईयर। जनरल ईयर मींस जिसमें 365 days होते हैं, और लीप ईयर का मतलब होता है जो कि हमारे पास हर 4 साल के बाद आता है। हम इसे पता कैसे करते हैं, हमारे पास कोई भी ईयर है अगर हमें पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमें उसको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर वो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया उसका, हमारे पास में कोई भी आंसर मतलब जो शेष बचता है, शेष बोल सकते हैं या फिर जो भी रिमाइंडर बचता है, अगर वो नहीं बचा हमारे पास डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या होगा, वो हमारा लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2019 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितने बार जाएगा, देखिए 4 5 20, ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। फिर 1 आपने लिया, फिर कितना, 0 times। फिर उसके बाद में आप क्या लोगे, 19 लोगे, देन इट विल बी 4 times 16, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो हमारे पास में 3 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इट मींस 2019 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट भी हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल है 2020, जो भी हमारा ईयर चल रहा है उस ईयर की बात करें, अगर हम लीप ईयर है या नहीं है। तो 2020 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में देखिए 5 times, है ना, 4 5 20, 20 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, डिवाइड करना सबको आता होगा, तो इसमें मुझे कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। फिर नेक्स्ट हम 2 को नीचे उतारेंगे, फिर 0, देन 5 times। तो यहाँ पे हमारे पास में
रिमेंडर कुछ नहीं बचता है. इट मीन 2020 क्या हुआ, 2020 इज अ लीप ईयर. तो बहुत ईजी है हमारे लिए ये जानना कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है. और वैसे ही 2019 क्या हो गया हमारे पास में, जनरल ईयर. बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये हम सब जानते हैं, ये हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है. हर चार साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है. देन बेसिकली जो कैलेंडर है, कैलेंडर बहुत ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है. बस हमें इसमें चीज़ों पर, कौन सी चीज़ों पर मेनली ध्यान देना है, वो होते हैं ऑड डेज. ऑड डेज मीन्स, ऑड डेज का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी और साथ में इसका बेसिक भी. पहले हम लोग बेसिक से करेंगे ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक को कभी भूलें नहीं. तो बेसिकली ऑड डेज होते क्या है, ऑड डेज ज़्यादा कुछ है नहीं. देखिए, आप किसी भी चीज़ को जब ग्रुप में आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो, नंबर्स है, आपको कहा गया है कि एक पर्टिकुलर आपको ग्रुप में डिवाइड करना है सब चीज़ों को, ठीक है. तो आपको पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि एक ग्रुप में आप कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रखेंगे, ठीक है. आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको, मान लीजिए आपके पास में 8 पीपल्स हैं, ठीक है, आपको एक ग्रुप बनाना है, आपको उनके ग्रुप्स बनाने हैं, तो आपने डिसाइड किया कि आप दो दो लोगों को ग्रुप में रखेंगे. देन दैट, अगर उस ग्रुप से एक्स्ट्रा जो, जैसे मान लीजिए 9 पर्सन, हम 8 को छोड़ के 9 लेते हैं, 9 पर्सन है हमारे पास में, और हमने डिसाइड किया कि हम हर ग्रुप में 2 पर्सन रखने वाले हैं, ठीक है. तो एक बंदा क्या हो जाएगा, 4 ग्रुप बनेंगे हमारे पास में, और एक बंदा क्या रह जाएगा, लेफ्ट, मतलब बच जाएगा एक्स्ट्रा. तो उस एक्स्ट्रा पर्सन को हम क्या कहेंगे, ऑड कहेंगे, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ डेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल ईयर में 365 डेज हुए, इसमें 366 डेज हुए. तो अब यहाँ पे हम इनके ग्रुप बनाएंगे. और ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप बनाने के लिए सबसे बहुत कॉमन नंबर क्या होगा हमारे पास में, कि हम एक ग्रुप में कितने मेंबर्स रखें, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज रखें. तो बहुत सबसे छोटा टर्म क्या होता है कैलेंडर में, एक डे होता है. लेकिन हम एक एक दिन में तो बांट नहीं सकते हैं ना, फिर ये तो वही बात हो गई कि 365 के 365 ग्रुप ही बन जाएंगे, 366 डेज के कितने ग्रुप बन जाएंगे, 366 ग्रुप बन जाएंगे. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे उससे बड़ा एक यूनिट लेंगे. उससे बड़ा यूनिट हमारे पास क्या होगा, वीक. अब एक वीक में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 7 डेज होते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ डेज को 7 डेज के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास में एक्स्ट्रा डेज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम ऑड डेज कहेंगे. तो सिंपल सी बात यह है कि जो हमारे पास में एक्स्ट्रा बच गया 7 डेज के ग्रुप बनाने के बाद में, जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑड डेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक जनरल ईयर का ऑड डे निकालेंगे. ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, बाकी आपको फिर मैं बाकी सारी बेसिक चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे देखिए 365 डेज हैं, मैंने क्या कहा, 7 डेज के ग्रुप में बांटना है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 9 लोग थे, 9 लोगों को अगर आपको दो दो लोगों के ग्रुप में बांटना है तो क्या करोगे, आपको पता करना है कितने ग्रुप होंगे. तो हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है. इट मींस 4 ग्रुप्स बनेंगे. तो हम कैसे पता करते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे होंगे, हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है, जितने भी मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स, द नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप से डिवाइड करते हैं. तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे. जब हम 7, ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक है, जिससे आप क्या करोगे, जिसके थ्रू आपके पास में शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो 365 डेज है हमारे पास, हम क्या करेंगे ऑड डेज निकालने के लिए, 7 से डिवाइड करेंगे. 7 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स, कितना आया, 35, देन रिमाइंडर इज 15. फिर 15 आया, देन वी विल डिवाइड इट, तो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स 14, रिमाइंडर कितना आया, 1. इट मीन्स एक जनरल डे में, एक जनरल ईयर में हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 1.